तो देखिए अभी इतने चेरी टमाटर मिल गए हैं और कुछ और लगे हुए हैं, तो इन्हें पहले बास्केट में रख दें। हल्का सा आप इसे घुमाएंगे तो गाजर और निकाल ली हमने। तो ये देखिए अभी हमने आज इतनी गाजर यहाँ, ये जो आप देख रहे हैं ये येलो ग्रेप्स टमाटर है और ये येलो ही होता है इस तरह से अंगूर की तरह, तो आज हम यहाँ से इन्हें भी तोड़ लेते हैं। खाने में टेस्ट कैसा है मैं आपको बताऊंगा बाद में। ये चाहे तो पेपर में लपेट कर रख दें या फिर अभी भी आप काटेंगे तो रेड ही निकलेगा अंदर से। दोस्तों आज मैं ले आया हूँ आपको मेरे टेरेस गार्डन में और करने वाले हैं गार्डन में लगी हुई सब्जियों की हार्वेस्टिंग। आज मैं आपको एक एक सब्जी की हार्वेस्टिंग करके दिखाऊंगा और बताऊंगा लास्ट में मुझे कितनी सब्जियाँ मिली, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। साथ में वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं टेरेस एंड गार्डनिंग यूट्यूब चैनल। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं फिर जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आज हम हमारे छत पर बने हुए टेरेस गार्डन से ढेर सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग करेंगे और ये जो सारी सब्जियाँ हैं उन्हें रखने वाले हैं आज हम इन ट्रे में और लास्ट में दिखाएंगे कितनी सब्जी हमें मिली। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और शुरुआत करते हैं पहली सब्जी की हार्वेस्टिंग से और तोड़ते हैं ये टमाटर। ये वही टमाटर हैं जिससे हमने 6 केजी टमाटर हार्वेस्ट किए थे लास्ट हार्वेस्टिंग वीडियो में, और अभी देखिए फिर से ये इतने रेड हो गए हैं और आज हम फिर से इनकी हार्वेस्टिंग यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए इस तरह से टमाटर मिलते हैं हमें, और अभी हमने जो गर्मियों के टमाटर हैं वो भी लगा दिए हैं और कुछ टमाटर में तो अभी फूल से फल बनना भी शुरू हो गया है, मतलब टमाटर बनना शुरू हो गया है। ये देखिए अभी हमने इतने टमाटर तोड़ लिए हैं और इस बार भी हमें काफ़ी टमाटर मिलने वाले हैं। आप गैस कीजिए कितने टमाटर आज हमें मिलेंगे। देखिए अभी एक साइड के टमाटर तोड़े हैं और ये देखिए हमारी ये बास्केट फुल है, इसको यहाँ रख देते हैं। दोस्तों ये लगे हुए हैं बैगन हमारे और आज हम ये बैगन यहाँ से तोड़ने वाले हैं, तो शुरुआत करते हैं यहाँ से बैगन की हार्वेस्टिंग की। और ये ब्लैक बैगन है, पुराने पौधे हैं। अभी देखिए हम और जो बैगन है उन्हें तोड़ लेते हैं, अभी काफ़ी बैगन लगे हुए हैं हमारे। ग्रीन बैगन भी हैं तो अभी मिक्स्ड बैगन ये हम तोड़ने वाले हैं। इस तरह से देखिए ग्रीन बैगन है, ये सामने नीचे लगा हुआ है, ये देखिए। ये व्हाइट वैगन, और पत्ते काफी ज्यादा हैं अभी, तो इन पत्तों को हटा देना है हमें धीरे धीरे। जो भी इन्फेक्टेड पत्ते हैं उन्हें हटा देंगे, एक्स्ट्रा ग्रोथ को भी थोड़ा हटा देंगे ताकि इनमें अच्छे फ्रूट लगें। वाइट वैगन लगा हुआ है यहाँ पे, एक ये वाइट वैगन। और वाइट वैगन आपको कैसा लगता है खाने में ज़रूर बताएं। कुछ लोग बोलते हैं कि इसका टेस्ट काफ़ी अच्छा होता है। अब हम आगे आ जाते हैं यहाँ पर, ये हमारे ग्रीन बैगन, इनमें काफ़ी ज़्यादा बैगन लगते हैं और टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। ये हैं हमारे चेरी टमाटर और इसे हम हार्वेस्ट कर लेंगे आज, और इस ये बहुत अच्छे इस तरह से पैटर्न में लगते हैं और पूरा का पूरा इस तरह से हम बंच को ही यहाँ से तोड़ते हैं। और इसके सीड आपको मिल जाएंगे, ये जो टमाटर हैं इनके सीड मिलेंगे आपको वेबसाइट organicbazaar.net में, वहाँ पर जाकर आप ले सकते हैं। चेरेमी ये वैरायटी है।
तो देखिए अभी इतने चेरी टमाटर मिल गए हैं और कुछ और लगे हुए हैं, तो इन्हें पहले बास्केट में रख दें और फिर हम आगे के चेरी टमाटर तोड़ लेंगे। ये देखिए यहाँ पर इस तरह से ये पैटर्न में ही लगते हैं और काफ़ी खाने में तो बहुत ही अच्छे लगते हैं और हल्के मीठे होते हैं, बहुत ज़्यादा खट्टे नहीं होते हैं। देखिए इतने चेरी टमाटर और कुछ और बची, उन्हें और तोड़ लेते हैं। इतने और हमने टमाटर तोड़ लिए हैं और इन्हें भी रख देते हैं। तो लगभग चेरी टमाटर भी आज हमें काफ़ी मिल गए हैं। कितने मिले हैं बताइए, लास्ट टाइम हमने 3 किलो यहाँ से चेरी टमाटर जो हैं तोड़े हुए थे, अभी कितने होंगे आप गैस कीजिए। ये देखिए इतने चेरी टमाटर। ये लगी है हमारी मूली और आज हम यहाँ से मूली निकालने वाले हैं। तो देखिए किस तरह से ये मूली बनी हुई है, सेडी एरिया में हमने इन्हें लगाया है और अभी लेट लगाया है, तो कुछ मूली तो काफ़ी अच्छी बन गई हैं और कुछ अभी पतली ही हैं। तो जो मूली मैच्योर हो गई हैं हम उन्हें निकाल लेते हैं और अभी गर्मियाँ आ जाएंगी तो ये गर्मी में उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता हमें इस तरह की मूली से। तो आप अभी रेड जो मूली होती है, रेड राउंड रेडिस, उसे लगा सकते हैं। ये हमारी गाजर लगी हुई हैं इस ग्रो बैग में, 15x15 इंच का ये ग्रो बैग है और यहाँ से हम आज निकालेंगे गाजर। तो इस तरीके से देखिए ये गाजर बनती हैं। छोटी गाजर भी निकल आई साथ में ही और ये देखिए, तो जो बड़ी बड़ी हैं हम अभी वहीं निकालेंगे गाजर को। देखिए है और यहाँ से इसको छोड़ देते हैं वरना छोटी भी निकल आएंगी। निकाल ली हमने, तो ये देखिए अभी हमने आज इतनी गाजर यहाँ से निकाल ली हैं। कुछ छोटी गाजर निकल गई हैं, बाकी तो सारी गाजर सही हैं, साइज भी अच्छा मिला है और काफ़ी अच्छी वैरायटी है ये। इसकी खासियत ये है कि ये गाजर इतनी ही बड़ी होती हैं लेकिन बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाती हैं, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती हैं। तो ये हमने आज इतनी गाजर हार्वेस्ट की, इन्हें रख देते हैं सब्जियों के साथ ही। ये चुकंदर है हमारी और लास्ट हार्वेस्टिंग आज इनकी होगी, काफ़ी बार हमने इन्हें हार्वेस्ट किया है। तो आज हम यहाँ से जो ये जितनी भी ये बीट रूट हैं इन्हें हम निकाल लेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से चुकंदर मिलती हैं। और अब यहाँ हम गर्मी की कोई दूसरी सब्जी लगाएंगे। ये देखिए कितनी अच्छी चुकंदर मिली हमें। हमारे लॉन्ग पर्पल बैगन और यहाँ से आज हम इन्हें तोड़ने वाले हैं। चार पौधे हमारे ये लगे हुए हैं और इनमें काफ़ी ये बैगन लग रहे हैं। दोस्तों ये है हमारी पाक चाय और आज हम यहाँ से इसे हार्वेस्ट करेंगे और इसे की कैसे सब्जी बनानी है या किस में इसका इस्तेमाल करना है आप ज़रूर कमेंट्स कर बताएं। और देखिए कितना अच्छा हमें रिजल्ट मिला है और कितनी अच्छी इसकी लीफ हुई है इस तरह से। तो यहाँ से हम और हार्वेस्ट कर लेते हैं। दोस्तों ये है हमारी मिर्ची और हरी मिर्च आज हम यहाँ से तोड़ने वाले हैं। जो जो बड़ी हो गई हैं हम उन्हें तोड़ लेंगे, पिछली बार हमने यहाँ से काफ़ी मिर्च तोड़ी हैं।
ये जो मिर्च के पौधे हैं ये मैंने सर्दियां शुरू होते समय लगाए थे। अभी ये देखिए गर्मियों जैसे ही अभी गर्मियां शुरू हो रही हैं और यहाँ से हमें इनकी हार्वेस्टिंग करने मिलने लगी है, और अब ये चलते जाएंगे पूरी गर्मी भर, हमें यहाँ से ढेर सारी जो है मिर्च तोड़ने को मिलेंगी। ये है हमारा पपाया, और इस पौधे में कुछ इस तरह से पपाया के फल लगे हुए हैं और ऊपर भी अभी फ्रूटिंग हो रही है, नीचे से अब ये मैच्योर होने लगे हैं। तो इस तरह से देखिए जब ये पक जाता है तो हमें यहाँ से इसे घुमाना है और इस तरह से आप इसे तोड़ लीजिए, और आप इसे चाहे तो पेपर में लपेट कर रख दें या फिर अभी भी आप काटेंगे तो रेड ही निकलेगा अंदर से। तो इसे आज हमने तोड़ लिया है, रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ, मिल गई हैं, इन्हें यहाँ रख देते हैं। ये हमारा अमरूद लगा हुआ है और अभी ये तोड़ने के लिए तैयार है, तो पूर्वा आज इसे तोड़ेगी। तोड़ लो पूर्वा, इसको तोड़ो। खींचो, हाँ घुमाओ घुमाओ, सही कर रहे। हाँ खींचो, अच्छे से। दिखाओ, ठीक है। एक अमरूद पूर्वा ने तोड़ लिया, एक अमरूद हमारा यहाँ लगा हुआ है तो इसे भी हम तोड़ लेते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं इसको भी हमने तोड़ लिया है, और भी बहुत सारे अमरूद हैं। जैसे जैसे ये मैच्योर होते जाएंगे वैसे वैसे हम इन्हें तोड़ते जाएंगे। जैसे ऊपर आप ये देख रहे हैं तो एक ये लगा हुआ है अमरूद, हम इसे भी तोड़ लेंगे। और इसे हमें थोड़ा सा, यार टूट गया। तो ये अमरूद हमें मिल गए हैं और इन्हें भी हम रख देते हैं पूर्वा के अमरूद के साथ। ये रख दिए पूर्वा ने अमरूद, अमरूद और यहाँ पे रखा हुआ है पपाया। यहाँ पे आप जो ये सामने देख रहे हैं तो ये अनार है हमारा, और ये अनार का जो पौधा लगा हुआ है इस तरह से हमने 18x18 इंच के ग्रो बैग में लगाया है, और अब ये बिल्कुल तोड़ने के लिए तैयार है। तो मैं आपको यहाँ से आज ये अनार तोड़कर दिखाता हूँ। तो इसको तोड़ना आसान है, आपको इस तरीके से हल्का सा आप इसे घुमाएंगे, और ये देखिए कितना अच्छा अनार है और वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, आपको मेरे हाथ से ही पता चल जा रहा होगा ये कितना अच्छा है। इसके बीज पूरी तरह से रेड निकलेंगे, और इसे भी रख देते हैं हमारी सब्जियों के साथ। हमारा स्वीट लाइम का पौधा है, ग्राफ्टेड पौधा है, और इसे आप देखिए कुछ इस तरह से ये मैच्योर हो गए हैं, तो हम इन्हें तोड़ लेते हैं। खाने में टेस्ट कैसा है मैं आपको बताऊंगा बाद में, बाकी अभी तक हमने इसे टेस्ट नहीं किया है। तो कुछ लोग इसे चाइना ऑरेंज बोल रहे हैं, क्या ये वही है ज़रूर बताएं। और फ्रूटिंग काफ़ी ज़्यादा है तो हम इसकी फ्रूटिंग जितनी भी अभी ये हो गए हैं पक गए हैं इन्हें हम तोड़ते हैं, क्योंकि न्यू ग्रोथ भी इस पौधे में स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ से हमने ये देखिए इतने तोड़ लिए हैं, ये देखिए। ये जो आप देख रहे हैं ये येलो ग्रेप्स टमाटर है, और ये येलो ही होता है इस तरह से अंगूर की तरह। तो आज हम यहाँ से इन्हें भी तोड़ लेते हैं जो जो इस तरह से येलो हो गए हैं टमाटर, ये देखिए। और इसके सीड आपको मिल जाएंगे हमारी वेबसाइट organicbazaar.net में, आप वहाँ से खरीद सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। तो जितने भी ये येलो हो गए हैं उनको हम तोड़ लेते हैं। ये देखिए कुछ इतने येलो ग्रेप्स जो टमाटर हैं वो मिल गए हैं। अब खाने के बाद ही पता चलेगा कि इनका टेस्ट कैसा है। ये हमारी धनिया है और बिल्कुल अब तो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार है, तो आज हम इसकी हार्वेस्टिंग कर लेंगे। और इसे हमने लगाया है कड़ी पत्ते के पौधे के साथ ही, और देखिए कितनी बड़ी हो गई है। हम इसे बिल्कुल नीचे से काटेंगे ताकि ये फिर से रीग्रो हो जाए। तो आज हमें मिले हुए हैं इतने चेरी टमाटर जो कि आप सामने देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे पैटर्न में लगते हैं और टेस्ट भी इनका काफ़ी अच्छा होता है। तो चेरी टमाटर इतने मिल गए हैं। यहाँ पे हमें मिल गई हैं इतनी हरी मिर्च जो आप ये सामने देख रहे हैं, एक हमें मिला है अनार
और काफ़ी वजन है इसका और काफ़ी अच्छा अनार मिला है हमें। एक हमने तोड़ा है पपीता, ये जो पपीता है इसे हमने तोड़ा हुआ है। एक कुछ ये स्वीट लाइम जो हैं इनको हमने तोड़े हुए हैं। यहाँ पे येलो ग्रेप्स, टमाटर, और ये भी काफ़ी अच्छे लगते हैं, बिल्कुल अंगूर की तरह दिखते हैं। और टेस्ट अब हम बताएंगे आपको कैसा मिलता है। कुछ यहाँ पे हमने अमरूद तोड़े हुए हैं, तो ये अमरूद हैं। यहाँ पे ये देखिए बड़े टमाटर जो हैं काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मिले हैं हमें, तो ये हमने टमाटर तोड़े हुए हैं। यहाँ से ये आप देख रहे हैं तो बैगन, इसमें ब्लैक बैगन में मिक्स बैगन रखे हुए हैं और लॉन्ग पर्पल बैगन भी हैं, और सामने आप जो देख रहे हैं ब्लैक बैगन है। ये ग्रीन बैगन और वाइट बैगन मिक्स, देखिए कुछ इस तरह से यहाँ पे वाइट बैगन मिला है और कुछ ग्रीन बैगन हमें मिले हैं इतने। यहाँ पे ये धनिया मिली है, हमने धनिया काटी हुई है इतनी, पूरी एक ये ट्रे भर कर हमें धनिया मिली है। यहाँ पे चलें तो यहाँ पे हमें मिली है गाजर, गाजर के साथ ये चुकंदर और ये मूली, ये हमने रूट वेजिटेबल निकाली हुई हैं। और यहाँ पे ये है पाक चॉय हमारी, तो ये पाक चॉय हमने काटी हुई है जो आप सामने देख रहे हैं। तो इतनी सारी सब्जियाँ मिली हैं, आपको इनमें से कौन सी सब्जी पसंद आई ज़रूर कमेंट्स करें। और आप भी अगर इस तरह से अपने होम गार्डन में सब्जियाँ उगाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यहाँ पर आपको मिलेंगी ढेर सारी टिप्स होम गार्डनिंग को लेकर। तो अभी कभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह से हमारे वीडियो देखते रहें। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।